में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में अब तक 80 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। आतंकी संगठन आइसिस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि कल हथियारों से लैस आतंकी मॉस्को में एक मॉल में घुस गए थे और वहां पर मौजूद भीड़ के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। आतंकियों ने हॉल में पेट्रोल बम फेंक कर आग भी लगा दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मॉस्को में आतंकी हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवार के साथ में हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ में एकजुटता से खड़ा है। फतेहपुर में लॉकअप से फरार बंदी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश अंकित उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश पर अलग अलग जिलों में हत्या और लूट समेत 15 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि बदमाश अंकित 11 मार्च को कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। महर्षि रोड का यह पूरा मामला है। अंबेडकर नगर में प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी की हत्या का मामला सामने आया। प्रेमिका की शादी दूसरी जगह पर तय हो गई थी, जिससे नाराज प्रेमी लड़की के घर पर पहुंचा, जहां लड़की के परिजनों ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी लड़की, उसके दो भाई और माँ को गिरफ्तार कर लिया गया है। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के गाँव का ये पूरा मामला है। मथुरा के मंदिरों में यूं तो 40 दिन तक होली खेली जाती है, लेकिन मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की होली अनोखी होती है। यहां पर भगवान हरे भरे बगीचे में बैठकर सोने चांदी की पिचकारी से अपने भक्तों के साथ में होते हैं और भक्त भगवान की पिचकारी भरा रंग भी डालते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में होली रसिया गायन शुरू हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण का ये बाल स्वरूप है और यही कारण है कि भगवान को होली का आभास कराने के लिए यहाँ पर भगवान को राग भोग के बाद में रसिया सुनाकर होली के लिए तैयार किया जाता है। पहले भगवान के चरणों में गुलाल का तिलक लगाया जाता है और फिर रसिया गायन शुरू होता है। चुनावी साल होने के चलते जौनपुर में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली पिचकारियों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस बार भी त्योहार पर मोदी योगी की फोटो लगी पिचकारी और भगवा रंग के हर्बर गुलाल की डिमांड देखी जा रही है। इस बार लोग चाइना सामान से दूरी बनाए हुए हैं और बाजार में देसी उत्पाद की भरमार है। बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है, कारोबारी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पिचकारियों की डिमांड है, कुछ लोगों का डिमांड है कि भाई योगी का रहना चाहिए, मोदी की फोटो लगी हो, ऐसा कुछ दीजिए। तो ऐसा आया भी था और कम संख्या में आया था, तो इसलिए अच्छी खासी डिमांड हुई। दोबारा आने का मौका नहीं मिला तो बहुत अच्छा रहा। मतलब चाइनीज आइटम क्या बहिष्कार? चाइनीज आइटम तो मुझे लगता है मेरे दुकान पे पिचकारी के लिए एक भी कलर अबीर में चाइना का कोई भी आइटम नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने को लेकर छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए। हिंदू छात्रों ने 21 मार्च